फ्रेंड्स so आज मैं शेयर करने हूं मेरा टॉप फाइव मोस्ट फेवरेट स्किन वाइटनिंग सोप तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे मेरे पास पांच सोप है और मैंने सारे सोप्स को ऑलरेडी यूज किया है एंड आपको दिखाया है सारे की इंडिविजुअल लिंक जो भी रिव्यू है वो मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी अपने चैनल पे तो आप विजिट कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप जानना चाहते हो मेरा मोस्ट टॉप फाइव स्किन वाइटनिंग सोप कौन सा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एंड मैं आपको यू नो बताऊंगी सारे प्रॉब्लम्स का कौन सा आ, सोप जो है बेटर होगा अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है तो कौन सा सोप जो है बेस्ट होगा अगर आपको यू नो स्किन वाइटनिंग चाहिए एक दो शेड लाइटन चाहिए तो कौन सा आपको जो है यूज करना चाहिए एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू एंड सारे जो सोप्स है गाइस सारे जो भी सोप्स है वो आपके सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन अब हो सकते हो है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले आपको इस वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको आपको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस जरूर कर लेना बहुत लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते हैं अगर आप ऑन नहीं करोगे तो मेरी जो भी न्यू वीडियो आती है वो उससे आप अपडेटेड नहीं रहोगे एंड उसको आप नहीं देख पाओगे ठीक है तो इसलिए मैं बोल रही हूं ब्लैक को कोई प्रेस जेल कर देना तो चलो तो स्टार्ट करते जो सोप है वो है स्कोजी सॉरी स्क, स्कोजी केयर प्लस आ, स्किन वाइटनिंग सोप ठीक है कुछ इस तरीके के या पैकेजिंग में आता है एंड ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है गाइस तो इसे मैंने लिया है फ्रॉम अमेजोन से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है आपको याद होगा मैंने कोजी केयर सोप का रिव्यू दिया था अपने चैनल पे तो उसी का ये जो है न्यूली वर्जन है जो कि कोजी केयर प्लस नाम से ये लोग लॉन्च किए हैं ठीक है तो ये एक बिल्कुल नया सोप है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता इसमें जो मिलाया गया है वो मिलाया गया है कोजिक ए 2.5 परसेंट सबसे अच्छी चीज ये लगी इस सोप की कि इसमें परसेंट भी दिया गया है गाइस और ग्लूताथायन वन परसेंट आरब्यूटन वन पॉइंट फाइव परसेंट आई थिंक कोजिक एसिड जो है इसमें ज्यादा मात्रा में डाला गया है जो कि है टू पॉइंट फाइव ठीक है वो तो पता होगा कि कोजिक एसिड जो है वो स्किन लाइटनिंग में ज्यादा वर्क करता है आपकी स्किन को एक दो शेड लाइटन करता है जैसे कि इसका मैंने इस्तेमाल एक दो बार ऑलरेडी कर चुका है मैं ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको नहीं यूज की हूँ मेरे हिसाब से ये आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा जैसे कि इसमें कोजिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है और ये आपके स्किन टोन को बढ़ाए और एक दो शेड ये लाइटन अप अगर आप एक अच्छा स्किन वाइटनिंग सोप खोज रहे हो वर्क जो कि भी हाईली रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट सोप है वो है ग्लूता लाइट स्किन वाइटनिंग सोप आपको होगा इसका मैंने बहुत बार रिव्यू दिया है अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे ये जो सोप है बहुत बहुत ज्यादा पसंद है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चीपेस्ट आप बोल सकते हो एंड चीपेस्ट के साथ साथ वर्क बहुत अच्छा करता है ठीक है तो इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है सो so, ये है ग्लूटालाइट स्किन व्हाइटनिंग सोप विथ ग्लूटाथायोन इसमें ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लेवल तक किया गया है जो कि टैनिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है पिगमेंटेशन में बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड डार्क स्पॉट में वर्क करता है अगर आपके फेस में बॉडी में बहुत ज्यादा यू you नो know, टैनिंग आ गया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छा वर्क करेगा फॉर टैनिंग में स्पेशली बहुत अच्छे से वर्क करता है ठीक है इसका क्वांटिटी तो आपको 75 ग्राम मिलेगा एंड आपको पैक ऑफ थ्री ऑलमोस्ट 300 uh, या फिर 400 के अंडर मिल जाएगा बट आपको एक सोप का ऑलमोस्ट वन फिफ्टी पड़ जाएगा और अभी आई थिंक आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगा तो आप चिकाउंट कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट सोप है वो है कोजी केयर स्किन वाइटनिंग सोप कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है एंड ये आपको पता है बहुत ज्यादा वायरल में ये जो है प्रोडक्ट गया था एंड बहुत लोगों ने ट्राई भी किया था ये है फॉर एंटी एजिंग आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड सन प्रोटेक्शन भी देगा ठीक है और ये है कोजिक एसिड ग्लूटाथायन आर्बुटिन एंड विटामिन सी एंड ई के साथ ठीक है जो कि आपके यू नो आपके टैनिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है गाइस एंड बहुत अच्छे से आपके स्किन टोन को ये थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं चेंज करेगा बट एक दो शेड ये लाइटन अप करता है उससे ज्यादा नहीं जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो जो फेस है काफी ज्यादा ड्राई हो गया था और बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था एंड बॉडी भी ड्राई हो गया था तो आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना है गाइस अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आ, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है बॉडी पे और फेस पे तो अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उन लोगों के लिए ये जो है आप यूज कर सकते हो सेंसिटिव स्किन ड्राई स्किन वाले बिल्कुल इससे जो है दूर रहे ठीक है उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर आप चाह रहे हो कि अगर आपका थोड़ा बहुत टैनिंग है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट सोप है वो है आ, ला और का ग्लूताथायन स्किन वाइटनिंग सोप आ, इसका भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया अपने चैनल पे एक दो दिन पहले तो आप देख सकते हो और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप ठीक है आ, ये है विद अ पाउडर ऑफ ग्लूताथायोन और ये है ब्राइटनिंग करेगा आपके स्किन को और प्लस व्हाइटनिंग करेगा यहाँ पे जैसे कि मेंशन है ठीक है तो ये है फुल ऑफ ग्लूटाथायोन और मैंने जस्ट ये सोप मंगवाया है जो कि मुझे ऑलमोस्ट पड़ा वन नाइन्टी या फिर वन टू हंड्रेड समथिंग कुछ का ठीक है तो आई थिंक आप बोल सकते हैं थोड़ा सा प्राइज है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सोप मिल रहा है बट वर्क बहुत अच्छा करता है इसलिए आप मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि ये वर्क बहुत अच्छा करता है ठीक है और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हो काफी ज्यादा स्किन पे जेंटल रहता है बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी, के लिए भी बहुत अच्छा है लास्ट प्रोडक्ट है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है ये सारे सोप से अगर मैं आपको सबसे ज्यादा सजेस्ट कर सकती हूँ तो यही सोप कर सकती हूँ डैट इज ए नेचुरल का रूप सुंदर सोप स्किन वाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग सोप ये सब कुछ कर रहा है अगर आप ये सोप का कर, इस्तेमाल करते हो तो अगर आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आप बोल सकते हो बहुत अच्छे से वर्क करता है और ये है ए नेचुरल के तरफ से जो कि है रूप सुंदर सोप विथ पराजिक एक्सट्रैक्ट कोजिक एसिड एंड वाइटामिन ई ठीक है तो इसमें आपको क्वांटिटी मिलेगा हंड्रेड ग्राम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसमें मिल रहा है एंड ये सोप में मिल रहा है ठीक है तो इसमें क्वांटिटी हंड्रेड ग्राम मिल रहा है और इसका प्राइस मुझे आई थिंक पैक ऑफ थ्री का ही आप ले सकते हो आपको एक सोप नहीं आपको मिलेगा तो पैक ऑफ थ्री का ऑलमोस्ट फोर फिफ्टी रूपीज मुझे पड़ता है और इसमें आपको एक मॉइस्चराइजर भी मिलता है जो कि काफी अच्छा है गाइस ऐसा नहीं है कि वो फ्री मिल रहा है तो वो खराब है बिल्कुल ऐसा नहीं है बहुत अच्छे से वर्क करता है सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कोजिक एसिड वाइटामिन सी का इस्तेमाल किया गया है जो कि स्किन लाइटनिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है गाइस अगर आप इसको एक मंथ या फिर दो मंथ रेगुलरली इस्तेमाल करोगे ना गाइस तो आपका स्किन टोन आपको बिल्कुल फर्क दिखेगा दो तीन शेड तक ये लाइटन अप करता है इतना अच्छा ये वर्क करता है अगर आपकी आपका जो स्किन है पहले बहुत ज्यादा व्हाइट था गोरा था एंड धूप की वजह से या फिर टैनिंग की वजह से वो जो है वो जो कलर है वो दिखता नहीं या फिर बहुत ज्यादा छुप गया है वो नजर नहीं आता है आपको या फिर बहुत ज्यादा डलनेस हो गया है बॉडी पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस पे हो गई है या फिर दाग धब्बे हो गए हैं सारे चीजो, चीजों में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है ये वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सोप है जो कि मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सभी सोप्स का इस्तेमाल करती हूँ वैसे तो बट बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल की हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है और राइट यू गाइस तो अगर आप बोलोगे कि दी आपने पांच सोप बता दिया और हम लोग तो पांच सोप तो नहीं ले सकते हैं एक ही सोप लेंगे तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे सबसे ज्यादा तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपको कोई भी स्किन टाइप हो मैं आपको एक ही सोप सजेस्ट करूंगी जो कि बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है एंड सभी चीजों में ये वर्क करता है वो है ए नेचुरल का ठीक है रूप सुंदर सो आई होप आपको वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर कर लेना प्लीज लाइक कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लो क्योंकि अभी बहुत सारे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं तो उसके लिए आप वेट जरूर कर लेना चलो मिनट और नेक्स्ट वीडियो में है